hello students welcome to my channel city commerce concepts and now today we are going to begin with the next topic of hrm that is human resource management importance of human resource management we have already completed completing the meaning definition and characteristics of human resource management so let's begin with the new topic that is importance okay so students the importance of hrm is there's is four importance significance for an enterprise प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस नेशनल सिग्निफिकेंस एंड सोशल सिग्निफिकेंस जैसे कि हम लोग ने अभी लास्ट टॉप क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि एज ए पॉग्रेसिव फंक्शन तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल होता है यानी कि एच जो है वो हर एक आ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट में होता है जिससे वो क्या लोगों को हेल्प कर सके तो इंपॉर्टेंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है तो इसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरप्राइज में हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रोफेशनली क्या इंपॉर्टेंस होती है नेशनली एंड सोशली सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज ओके सो द सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्राइज

हम रिक्रूट करते हैं पहले फिर उसके बाद उसको सिलेक्शन हम होता है फिर प्लेसमेंट होता है फिर उनके ओरिएंटेशन किया जाता है फिर प्रमोशन होता है तो ये सारी चीज़ें क्या हम एम्प्लॉय हम एम्प्लॉइज़ के साथ करते हैं उनका टैलेंट देखते हैं तो ये सब जो टैलेंट है वो किसके थ्रू आता है जब एचआर की पूरी प्लानिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स की पूरी प्लानिंग होती है कि हमें कैसे भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करके अपनी कंपनी में लाना है कि क्या उनकी पॉलिसीज़ होती हैं नेक्स्ट है डेवलपमेंट

ठीक है एम्प्लॉज के थ्रू आप उनको कितना मोटिवेट करते हैं आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं ये सारी चीजें किस में आती है दैट इट्स कम अंडर द कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये आप अपनी ही चीजों को कितने अच्छे से इफेक्टिवली आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं ठीक है यह काम आपसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कराता है कि आप क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है ठीक है तो आप अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज में कैसे उस चीज को इफेक्टिवली यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजिंग कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड इंश्योरिंग द इंटरप्राइज विल हैव इन अ फ्यूचर अ टीम ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लाईज़ ठीक है यानी कि आप यू हैव टू इंश्योर योर एंटरप्राइज दैट यू हैव अ वेरी गुड टीम इन फ्यूचर आपको एक अंदर कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कॉम्पिटिट कर सकें ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो आप सोचते हैं आपका और सेलिंग भी ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करोगे आप ये सोचोगे कि आपके अंदर क्या होना चाहिए कॉम्पिटिशन होना चाहिए किसी को भी लेके तभी आप क्या आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो डेडिकेटेड एम्प्लॉय यानी कि अगर आपसे वैसे वर्किंग आवर्स एट आवर्स होते हैं लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप एट आवर्स में काम करके जाओगे आप क्या सोचोगे नहीं आज का मैं पूरा टारगेट चाहे दस घंटे भी हो जाए मैं आज पूरा करके जाऊंगा तो इस तरीके से क्या होना चाहिए कुछ डेडिकेटेड इंप्लॉय को होना भी जरूरी है so this is all the significance for an enterprise now come to the next okay so the next is professional significance professional significance mein hota hai? the first is maximum opportunities हर एक एम्प्लॉयी को मैक्सिमम ऑपर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिससे ये देखना होता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूफ कर रहा है वो कितना उसने उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा हुआ है वो अपने उसके आने पास वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको वो कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम ऑपरचुनिटीज प्रोफेशनल हो गया कि प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस का बेटा एक बार फिर से मतलब समझ लीजिए प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस का मतलब ये हो गया कि आप एक प्रोफेशनली आप किसी भी कंपनी में मान लीजिए मैनेजर हैं कोऑर्डिनेटर हैं ठीक है, uh, है uh, जो भी आपकी एक पोजीशन है आप उस पोजीशन को कैसे अच्छे से यूज करते हो ठीक है उस आने वाली अपॉर्चुनिटी को दैट्स प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस यानी कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स का कहाँ इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट आता है हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन यानी कि आपका क्या है ऐसा नहीं हो आप मैनेजर हो तो आप किसी के साथ रूड हो जाओ किसी को भी आप हार्श हार्श तरीके से बात करो या कुछ अब्यूज अब्यूज वर्ड यूज करो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना पड़ेगा आप चाहे इंडिविजुअल uh, हो या आप एम्प्लॉयी हो या आप मैनेजर हो यू हैव टू मेक अ हेल्थी रिलेशनशिप विद ऑल द एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आता है एलोकेशन एलोकेटिंग वर्क प्रोपरली येस आपको ठीक है क्या प्रोफेशनली आपके लिए क्या जरूरी है कि अगर आपकी जो भी पोजीशन है यू हैव टू जस्टिफाई योर पोजीशन एंड यू हैव टू वर्क प्रॉपरली इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस नाउ कम टू द नेक्स्ट सोशल सिग्निफिकेंस अब आप सोशली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो एच हेल्प्स टू इनहेंस द डिग्निटी ऑफ लेबर इन द फॉलोइंग वेज फर्स्ट आता है सुटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट दैट प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिसफैक्शन टू पीपल ठीक है यानी कि ऐसा नहीं हो कि आपके देखे हो कि जब हम लोग एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी में लाते हैं ठीक है तो ये हम मेक श्योर sure करते हैं कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है हम ये भी ध्यान दें हम उनको और वो सिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं वो हमारी चीजों से सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं ये भी देखना हमारा काम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है तो हमारे लिए क्या जरूरी है HRM क्या करता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और सोशली और साइकोलॉजिकली उनको सेटिस्फेक्शन मिले ये इसका इंश्योर करता है नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल एंड द जॉब सीकर इन इन द द नंबर ऑफ ऑफ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्वालिफिकेशन नीड्स एंड एप्टीट्यूड्स सो बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा सोशली वो उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है कि वो क्या एक बैलेंस बना के चले किसके बीच में जो जॉब्स जो अवेलेबल है और जिनको जॉब्स चाहिए उन दोनों के बीच में क्या है ये बैलेंस बना के रखे ठीक है uh, कि किसी जॉब के लिए कितनी क्वालिफिकेशन ऐसा ना हो कि हम ऐसे क्वालिफिकेशन लिख दें कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आने ही बंद हो जाए ठीक है तो उसके बेसिस पे क्वालिफिकेशन uh, जो नंबर कितने हम लोग को लोग चाहिए नंबर्स ठीक है उनके कैसा एप्टीट्यूड होने चाहिए ये सारी चीजों का बैलेंस करना ह्यूमिन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स में जितना भी वेस्ट है वेस्ट किस टाइप का कि uh, जो फिजिकली और मेंटल हेल्थ यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जो इंप्लॉय को मेंटली फिजिकली हैरस कर रही हो या उनको परेशान कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि वह अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो तो वो सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है एलिमिनेट कर दिया जाता है सो दिस इज कॉल्ड द सोशल सिग्निफिकेंस कम टू द नेक्स्ट ओके द नेक्स्ट इज नेशनल सिग्निफिकेंस HRM has become very बिकम वेरी सिग्निफिकेंट इन due to डू following द फॉलोइंग वेज फर्स्ट आता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है यानी कि नेशनल uh, सिग्निफिकेंस की बात हो रही है तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो गया कि वो कितने बड़े स्केल uh, पे आपको आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को शो करते हो ठीक है कि कितने बड़े स्केल पर उसका क्या साइज उस है, है, है ठीक है कि आप उसमें जितने भी मेम्बर्स हैं जितने भी इम्प्लॉयिज हैं वो वर्क करते हैं वो कितना फ्री फील करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नेक्स्ट है रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ठीक है इम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो आप उस टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हो और उसका डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है नेक्स्ट है राइज ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉलेजेबल वर्कर्स आपके पास कैसे होने चाहिए प्रोफेशनली और नॉलेजेबल वर्कर्स होने चाहिए जिससे क्या कर सके आप जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया टेक्नोलॉजी वाला क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे वर्कर्स होंगे तो हम टेक्नोलॉजी का भी यूज अच्छे से कर सकते हैं नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ मैन uh, को ही चांस देते हैं ठीक है तो हमें क्या मैन और वुमेन कोई भी हो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन uh, में अपने बिजनेस में दोनों को ही क्या करना है दोनों इक्वली प्रपोशनली दोनों को एक साथ काम देना है ग्रोथ ऑफ पावरफुल नेशन व ट्रेड यूनियंस जितने भी ट्रेड यूनियंस होते हैं लेबर लेबर वर्क्स होते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं हो टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको काम नहीं दें नेक्स्ट है वाइडनिंग स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स ठीक है जितने भी uh, वर्कर्स है उनको प्रोटेक्ट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है कोई भी आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो ये बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए नेक्स्ट इज आई टी रेवोल्यूशन आई टी रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि जितना भी हम मैंने क्या है कि जितने भी हम अपडेटेड चीज़ों को यूज़ करते हैं मशीनरी हो गई टेक्नोलॉजी हो गई डिजिटल हो गया ये सारी चीजें भी क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है सो दीज ऑल आर द नेशनल सिग्निफिकेंस सो आई होप होपफुल स्टूडेंट्स आपको सब क्लियर हुआ होगा आज हमने इंपॉर्टेंस को भी क्लियर कम्प्लीट uh, कर लिया है स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं मेरी मेल आई डी पर मुझे मेल कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड आपका कोई अपना टॉपिक हो जो आप कोई uh, चाहते हो कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा सो दैट्स फॉर ऑल टूडे स्टूडेंट्स थैंक यू